हे गाइस, गुड मॉर्निंग. ना पेरु देवांशु, अंदर की नमस्कार. तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो जाइए जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लेना. तो चलिए दोस्तों, फिर आज इस व्लॉग को शुरू करते हैं. दोस्तों, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, क्योंकि दोस्तों मेरे ऑनलाइन वर्क के लिए मेरे जो पेपर्स थे लिखने वाले वो खत्म हो गए. तो अभी मैं जा रहा हूँ परचेस करने के लिए. तो चलिए दोस्तों, मार्केट की तरफ चलते हैं. दोस्तों, निकालते हैं गैरेज से पहले साइकिल. तो दोस्तों, साइकिल का यही एक प्रॉब्लम है कि दो दिन अगर छोड़ दो ना गैरेज पे तो एकदम धूल धूल हो जाता है. तो इसका रीजन ये है कि दोस्तों, मेरा जो गैरेज का दरवाजा है ना, ये देखो एकदम शॉर्ट है ना, और यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना, यहाँ से जो है ना पूरा धूल एकदम अंदर चले जाता है, जिसके कारण जो है ना कारण दोस्तों ना पूरा साइकिल उकल में धूल चढ़ जाता है. फिलहाल तो दोस्तों, मेरी जो व्हाइट वाली साइकिल है ना, जिसे मैंने ढक के रख दिया गाड़ी के कवर से, ये उतनी गंदी नहीं है जितनी ये गंदी हो गई अभी. और दोस्तों, मैं कैमरा ना इधर रख देता हूँ, ये तो ना मेरे से ना जो है डोर लॉक नहीं होगा. ठीक है, अब ठीक है. फिलहाल दोस्तों, अभी मौसम का हालात देख के ऐसा तो लगता नहीं कि अभी कि आज जो है धूप निकलेगी, क्योंकि एकदम डल डल जैसा मौसम हो गया. बारिश गिरने की संभावना तो लगी रही है वैसे भी. तो दोस्तों, मैं सोच रहा था कि अपना फेस पूरा जो है कवर कर लूं, क्योंकि गर्म गर्म हवा लग रहा है मेरे फेस पे, लेकिन मेरी वॉइस आपको सुनाई भी नहीं देगी ना फिर. दोस्तों, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन में सारे शॉप जो है ओपन हो गए हैं. जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, फ्रूट शॉप और कपड़े लत्ते की दुकान, खाने पीने की दुकान, सारे जो है ओपन हो गए हैं. और अभी मैं जा रहा हूँ सी मार्केट, क्योंकि ए मार्केट में तो अभी जो शॉप, क्योंकि आज के दिन में वो बंद रहता है. तो दोस्तों, ये ब्रिज से ना मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है, क्योंकि एक जाता है तो दूसरा वहाँ पे रुका हुआ रहता है कि कब वो पास होगा. जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है साइकिल चलाने, गाड़ी निकालने में. फिलहाल तो देखो वाटर कैन, क्योंकि दोस्तों अभी दो तीन दिन से ना जो है प्योर वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है घरों तक. और अपन आए फिर से शॉप प्रोजेक्ट पेपर. नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं. अरे नहीं नहीं नहीं, ओके, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना. करोना भाग गया है, करोना भाग गया है. करोना तो जाहिर है ना, 16 जून से एकदम खत्म हो जाएगा इंडिया से. अरे भैया, हमारे मीडिया वालों को बंद कर दो तो कोरोना वैसे ही खत्म हो जाएगा. अंकल बोल रहे करोना भाग गया, लेकिन अंकल मास्क नहीं पहने. करोना से डरता है. अच्छा, करोना अंकल से डरता है. दोस्तों, ऑनलाइन वर्क का पेपर जो है मैंने परचेस कर लिया. अब चलते घर की तरफ. अंकल जी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, करोना भाग गया है. जिस दिन होगा ना करोना, उनको जो है ना एकदम सतर्क हो जाएंगे. तो दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं रुका हूँ तो वहाँ से एक गाड़ी आ रहा है, तो वेट करते रहो. अब वहाँ पे जो सामने रहेगा, अब उसे वेट करना पड़ेगा. वो देखो वेट कर रहा है, कब अपन जो है क्रॉस होंगे. हाँ, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि करोना अभी भी नहीं गया है, उसके सिम्टम्स अभी भी है. छत्तीसगढ़ में तो कम हो गए, लेकिन बाकी शहरों में तो है ना. फिर भी आप लोगों को सतर्क रहना है. लेकिन इस तरह का जो है आप अफवाहें फैलाएंगे कि करोना भाग गया है, ऐसे में ऐसे बोलने से तो भागेगा तो नहीं ना. तो दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वन डे विदाउट ए व्लॉग कैसा रहेगा. अगर एक दिन अगर मैंने व्लॉग नहीं किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा. और जैसे कि डे बाई डे जिस तरह मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और एक तरह से आदत सा बन गया, एक तरह से बहाना बन गया है कि आप लोगों से किसी भी तरह से आप लोगों से बात करते रहना, किसी चीज़ के बारे में दर्शाऊँ या बोलूँ, बस इसी तरह. A few moments later. दोस्तों, इस वक्त मैं घर पहुंच चुका हूं, और घर पहुंचती था सबसे पहले जो है अपना ऑनलाइन वर्क फिनिश कर रहा हूं. और दोस्तों, हमेशा की तरह जो है मैं एक सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठा रह सकता, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है ना कंपनी लॉ का बहुत बड़ा चैप्टर है, और जो उसे कंप्लीट करना है, और उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 दिन लग गए. तो आज जो है मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूंगा. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं लिखना. क्योंकि दोस्तों समय कम है, तो मेरे को अपनी स्पीड लिमिट जो है बढ़ानी पड़ रही है. इस वजह से जो है राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जा रही है, कि मेरे पास उतना टाइम नहीं रह पाता. क्योंकि आधा टाइम जो है मैं व्लॉगिंग को देता हूँ, आधा टाइम जो है स्टडीज़ को देता हूँ, इसलिए दोनों को जो है मैं पकड़ के चल रहा हूँ 50-50%. इस वजह से जो है मेरा वर्क अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो है मेरा वर्क कंप्लीट हो जाए, और टाइम पे कॉलेज में जाकर जो है इस वर्क को सबमिट कर पाऊँ. 2 hours later. तो दोस्तों, मेरा जो ऑनलाइन वर्क था अभी आधा फिनिश हुआ है, आधा मैं थोड़ी देर के बाद कर लूंगा.
फिलहाल दोस्तों लिखते लिखते समय का बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि समय कैसे बीत रहा है, और अभी जो बज गए हैं शाम के 4:30, तब मैं बैठा था लिखने के लिए, 2:30 को मैं बैठा था, और देखो अभी 4:30 हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए इधर उधर घूमूंगा, इसी बहाने आप लोगों को भी बाहर का नजारा दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों चलते फिर इस साइड आ जाए, इस साइड आई थिंक। अरे अच्छा कुछ नहीं होगा तेरे को, यूट्यूब आएगी तो दोस्तों ये डर रही है अभी। नाम बताओ, दोस्तों इसका नाम है परी। नाम बताओ अपना, नाम बताओ। परी। तो चलो दोस्तों चलते हैं ऊपर। चलो। तो अभी उत्कर्ष का फोन आया था, वो बोल रहा था कि अभी मेरे घर आ जा, मेरे घर तरफ से ही जो है अपन निकल जाएंगे साइकिल चलाने के लिए, तो चलो फिर चलते हैं उसके घर तरफ। तो दोस्तों उत्कर्ष का घर जस्ट मेरे 2 स्ट्रीट सामने है, फिलहाल अभी मैं साइकिल से जा रहा हूँ उसके पास, और वो बोल रहा था कि घर के पास मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, तो चलो फिर। तो दोस्तों ये रहा जो मेरा वेट कर रहा है घर के पास, चले चलो। दोस्तों अभी अपन जो है मार्केट साइड है, तो मार्केट का जो है माहौल कुछ इस तरह का है, देख सकते हो कितना भीड़ भाड़ है। पढ़ ले, आगे चलेगा, आगे से रास्ता है। ये कौन सा गली है भाई, बड़ा डेंजर गली लग रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे साइकिल पार्क करने से। यहाँ सही रहेगा साइकिल पार्क करना, क्योंकि यहाँ पे एक भी गाड़ी खड़ी नहीं है ना, रिस्क नहीं रहेगा, दो साइकिल जो ले आया था कोई नहीं जाएगा। तो ठीक है फिर यहाँ पे साइड में रख देते थोड़ा सा, कैसे जाएंगे आप, तभी नहीं है ये ना, लग रहा है हाल ही में अभी अभी इसको जो है ना पूरा ना घेर दिए कांटे वाले पेड़ से, वो देखना साइड से तो रास्ता था वहाँ से, अभी भी है शायद। चल दूसरे स्ट्रीट से चलते, चल फिलहाल दोस्तों अभी इस स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी है, और ऊपर से जो है यहाँ पे घेराबंदी कर दिए, पहले यहाँ से रास्ता था पार्क के अंदर जाने का, लेकिन अभी जो है ना पूरा सील कर दिए। दोस्तों अभी अपन जो है ना सेकंड स्ट्रीट में आ गए, यहाँ पे ठीक लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है चहल पहल भी है, और इतनी सारी जो है ना गाड़ी पार्क भी है, तो अपना साइकिल जो है ना चोरी होने का डर नहीं रहेगा। देख गेट को टच मत करना, फिलहाल जो है मैं चाबी से ही करूँगा भाई, रिस्क है। तो दोस्तों इस वक्त अपन जो है शाम को वॉकिंग करने के लिए जुगली पार्क साइड आए हैं, जैसे ही मेरे घर के पास है। पानी है रे आगे, कैसे जाएंगे। वाह रे वाह बुद्धिमान, गिरा 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 गिर गिर जा गिर जा बज गया। भाई मत कर, ओ बज गया। तो इसका ना यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है ना ड्यूरिंग लॉकडाउन में, हालांकि मैं यहाँ का ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है ना घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस ब्लॉग पे बस इतना ही, दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ, आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग पे, सब्सक्राइब टू माय चैनल, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।